कहा कि आप संसद से इस्तीफा दे दीजिए। सुशील मोदी हमको संसद में चुन के भेजे है क्या? अरे सुशील मोदी जी राज्यसभा के सदस्य हैं और एक बार जो चुनाव जीते थे वो किनके किनके कृपा से जीते थे वो हमको मालूम है, हमको पता है। इसलिए सुशील मोदी जी इस्तीफा मांगेंगे, वो अपना 2024 को सुरक्षित करना चाहते हैं। अरे भाई तो 2024 सुरक्षित कर लीजिए ना। हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि भाई देखिए सुशील मोदी जी बहुत ही आक्रामक ढंग से आपके पक्ष की बात रख रहे हैं, तो 2024 में उनको जरूर रिन्यू कर दीजिए। तो वो अपना भविष्य देखें, हमारी चिंता छोड़ दें। हाथ पीछे करो जी जरा, हम हाथ पीछे करिए ना। जनता के बल पर चुनाव ठीक आए हैं और मुझे लोकसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद कर दो रहेगा तब तक सुशील मोदी जैसे की परवाह हम नहीं करते। हाँ, इस्तीफा अगर देना है तो इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के दलित समुदाय के लोगों से, इस देश के आदिवासी समुदाय के लोगों से और इस देश की महिला से क्षमा मांगना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। भाई नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति थे उसमें दलित समुदाय, उनसे नहीं कराए अपने करा कर लिए। उद्घाटन करने का हुआ जब दलित समुदाय की महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया था तो उसमें तो बड़ा पीठ थपथपा रहे थे पूरे दुनिया में कि हमने बड़ा क्रांतिकारी काम किया। और अभी जब उनको उद्घाटन करने का उनका अधिकार था तो उससे वंचित करके खुद चले आए उद्घाटन करने। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी इनका सम्मान करते हैं, दलित वर्ग का और आदिवासी समुदाय का और महिला का। उन्होंने जब हम महागठबंधन में थे और एनडीए की तरफ से दलित समुदाय के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के बनाए गए थे, महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम समर्थन करेंगे और समर्थन उन्होंने दिया था। है साहस इन लोगों को, भी छुट भैये लोग हैं, नाटक कर रहे हैं विधानसभा में। विस्तारित भवन का उद्घाटन को इससे जोड़ रहे हैं। अरे विस्तारित भवन और मुख्य भवन में अंतर नहीं है क्या? ये कौन समझा इनको? लेकिन खैर इन सब लोगों को देख रही है देश की जनता। इसके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी इतिहास को, जो देश का इतिहास है उसको समाप्त करके अपने नाम करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, आने दीजिए। सर, जो आपने लोकतंत्र को लेकर कहा है उस पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा आपसे नहीं सीखनी पड़ेगी। लोकतंत्र की परिभाषा हमसे मत सीखिए ना। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, जनता ने वोट दिया है। आप सर्टिफिकेट बांटिएगा कि जनता सर्टिफिकेट देगी। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? जनता सर्टिफिकेट देगी। और दिल्ली की जनता ने लगातार श्री अरविंद केजरीवाल को सर्टिफिकेट दिया है और वो चुनी हुई सरकार पर आपके द्वारा मनोनीत लेफ्टिनेंट गवर्नर से आप शासन करना चाहते हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने, जो सबसे बड़ी पीठ होती है, उसने 5-0 से फैसला दिया। वो लोकतंत्र किसको सिखा रहे हैं? लोकतंत्र की परिभाषा सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अरे लोकतंत्र को ध्वस्त करने की जितनी परिभाषा है वो आप बताइए देश को। लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं। सर, उपराष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया जाता है जो चेयरमैन? किसी को नहीं बुलाएगा ये लोग। आपने देखा नहीं कि बनारस में जाके इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नाली का भी उद्घाटन कर रहे थे? तू नाली का भी उद्घाटन करेंगे? अभी देख नहीं रहे हैं कौन ट्रेन चल रहा है? अभी वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, उसका भी झंडी दिखा रहे हैं दिल्ली से देहरादून का भी। अरे भाई, इस देश के प्रधानमंत्री को बहुत काम है, कुछ काम तो करना नहीं है, झंडी फहराना है। अब उज्ज्वला योजना तो बोलते नहीं है, इसलिए कि उज्ज्वला योजना बोलेंगे
तो जनता उनसे हिसाब पूछेगी, खाली सिलेंडर फेंकेगी उन पर, तो उज्ज्वला योजना खत्म हो गया। अब ये देख रहे हैं कि अभी जो क्या कर रहे हैं, वो जो राशन बांटते हैं उस पर भी एगो भारतीय जनता पार्टी का कमल टाइप का कुछ बना दिए। कौन धंधा कर रहे हो यार, काम करिए ना। इस देश में महंगाई है, इस देश में बेरोजगारी है, उस पर भी जरा कुछ प्रवचन दीजिएगा इस देश की जनता को। आप तो चुन के आए थे इसी के बल पर, आप तो कह के आए थे कि जनता को वादा किए थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तब उस पर भी तो कुछ बोलिएगा। रोजगार मेला लगा रहे, भारी प्रचार हो रहा है, अब पूरे देश भर में 22,000 25,000 50,000 रोजगार बांट रहे, यही रोजगार है। ऐसा रोजगार तो रोज यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बांट रहे हैं, हर महीने रोजगार हो रहा है। नीति आयोग के भी सवाल उठा रहे हैं, बिहार सरकार ने भेजा कि मुख्यमंत्री ने बोला कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है। ये सरकारी बात है, सरकारी बात पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, नीति आयोग उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहते, ये सरकार का काम है, हमसे राजनीतिक सवाल पूछिएगा उस पर हम